ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। 17 तारीख को पहली शिफ्ट और 17 तारीख को दूसरी शिफ्ट, इन दोनों शिफ्टों में पेपर हुए, पेपर अच्छा गया, पेपर भी अच्छा हुआ, कोई पेपर हार्ड नहीं है और ज़्यादा इजी भी नहीं, मीडियम है, बस थोड़ा सा रीजनिंग के जो है, रीजनिंग का जो पार्ट है वहाँ पर समय अधिक ले रहा है, उलझाऊ टाइप से क्वेश्चन है। चलिए, ये तो बात रही पेपर की, तो आपको बता दिया पेपर ठीक ठाक आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी सुनने में आ रही हैं कि पेपर लीक हो गया। तो जब तक किसी चीज़ की पुष्टि ना हो जाए तब तक आप किसी भी प्रकार का उपद्रव ना करें और किसी भी प्रकार का किसी के साथ भी दुर्व्यवहार ना करें, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी बहुत से लोग ऐसे भी इसमें अराजक तत्व शामिल हो सकते हैं। हो सकता है, मैं किसी पार्टी के समर्थन में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं एक तर्क के हिसाब से, हो सकता है विपक्ष में के कुछ ऐसे हों जो उसको बदनाम करना चाहें, सरकार को बदनाम करना चाहें या फिर इस भर्ती प्रक्रिया को रोकना चाहें, ऐसा भी हो सकता है। तो वो ना कुछ मिले तो उसको बदनाम ही करने के चक्कर में ये सब करें कि पेपर लीक हो गया है फलाना लमका। तो बात यह है कि आप लोग बिल्कुल भी उपद्रव नहीं करेंगे, कोई भी ईश्वर उपद्रव नहीं करेगा, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। बात करें पेपर लीक की, तो आज पहली शिफ्ट का पेपर हुआ, उसके बाद में दूसरी शिफ्ट का पेपर होना है। तो आपको बता दें, जानकारी के लिए ध्यान से सुनिएगा, हमारा एक स्टूडेंट वहाँ पर भी था, हम आपको नाम नहीं बता सकते, ना उस जगह का ना ही उस स्टूडेंट का अभी, हालांकि मैं बाद में बता दूंगा आफ्टर एग्ज़ाम आपके पेपर के बाद में, क्योंकि थोड़ा प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है, इन सब चीज़ों में ध्यान रखा जाता है। तो जैसे ही इस बार वो पेपर देकर के निकलता है, तो उससे कोई आकर मिलता है और बोलता है कि आपको पेपर चाहिए, इस तरीके की बात होती है उससे, तो वो कहता है मेरा पेपर हो गया है। तो उसको लगा कि शायद मैं कुछ अच्छा करूं, तो उसने डायरेक्ट मुझे फ़ोन किया, बोला सर ऐसी सी बात है मुझे और मेरे को मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने उससे तुरंत ही पूरी बात की और उसकी सूचना प्रशासन को दे दी। सूचना प्रशासन को देने के बाद में वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं सारे अलर्ट हैं, लगभग सभी के फ़ोन मेरे पास आ चुके हैं, अब बार बार हमसे ये भी पूछ रहे हैं कि किसका क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ पे आप रहते हैं, किस कैसे आपको जानकारी मिली, सारी बातों को। हालांकि मैं गोला पुलिस से सहायक भी हूँ, वॉलंटियर भी रहा हूँ और हर साल सेवा भी देता हूँ, मैं मेरे बच्चे भी शिवकाशी डिफेंस अकेडमी गोला, हमेशा गोला के लिए तैयार है, गोला के अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए तैयार हम लोग हैं, तो हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि मान के चलिए अगर अभी उस बच्चे की कथन को सुनने के बाद में मैं ऐसा करता है कि यार इतने रुपए मांग रहा है तो अपने स्टूडेंट से बात कर लें, तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो शायद मेरे बहुत ज़्यादा 5, 6, 7, 8, 10 स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाते, लेकिन बाकी के जो 20 लाख 22 लाख इस शिफ्ट में बैठेंगे बच्चे, उनका क्या होगा। तो जैसे कि मैं इंडियन आर्मी की तैयारी करवाता हूँ, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर बलिदान परम धर्मा पहले, तो हमारे लिए सबसे पहले हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, उसमें रहने वाले लोग हैं। उसी बात को मैंने ध्यान में रखते हुए सबसे पहले प्रशासन को जानकारी दी कि हो सकता है वो कुछ करें और ऐसा कुछ हो तो उसको संज्ञान में लेकर के वो लोग उचित कार्रवाई करेंगे और ऐसी मतलब अराजकता नहीं होगी। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अभी तक कोई पुष्टि नहीं है, आज का लास्ट एग्ज़ाम है, सेकेंड मीटिंग का हो जाने के बाद में ही सारी बातें खुल करके सामने आएंगी, अगर कोई है तो पकड़ा जाएगा, लेकिन अगर किसी जगह पर ऐसा हुआ और नहीं पकड़ा जा रहा है तो इतना ध्यान रखिए कि उस जगह की कानून व्यवस्था प्रश्न चिन्हों में कैद हो जाएगी। ये बात मेरी आप लिख करके रखिए, उस जगह की कानून व्यवस्था प्रश्न चिन्हों में कैद हो जाएगी जहाँ पे ऐसा कुछ होता है वो सामने नहीं आ पाता, वो लोग जान नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आज का पेपर एनालिसिस करवा दें आपको, पहले देख लीजिएगा, पहले आपको हिंदी बताते हैं।